नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए सितंबर 2020 मंथली हॉरोस्कोप फॉर सभी के लिए। इस मंथली हॉरोस्कोप का बेस है आपकी चंद्र राशि, आपका मून साइन, लेकिन आप इस मंथली हॉरोस्कोप को फॉलो कर सकते हैं अपनी लग्न राशि के मुताबिक, या आप पे आप किस तरह फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से यहाँ इस मंथली फोरकास्ट के अंदर है, चाहे आप अपने मून साइन के मुताबिक इसको फॉलो करें या अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, ये डिसीजन आपके खुद बनाना है। जो आप पे अप्लाई हो वो कर लें। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। स्कॉर्पियो के लिए वीनस का गोचर, स्कॉर्पियो के लिए नौवें घर में, 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक वीनस का गोचर नौवें घर में। वीनस जब नौवें भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर नौवें घर में, आपके मून साइन से नौवें घर में वीनस का गोचर, वीनस नौवें घर में आएगा, नए नए कपड़े मिलेंगे, नई वार्डरोब मिलेगी, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम आपको मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, सक्सेस आपको मिलेगी। आप अपने गोल को प्राप्त करने में कामयाब होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में आपका नाम होगा, सक्सेस होगी। स्टूडेंट्स के लिए ब्रिलियंट टाइम है, बहुत ब्रिलियंट टाइम है। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड बहुत कोऑपरेटिव होंगे, अफेक्शन आपको मिलेगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, बहुत अच्छी सोसाइटी में आपको आने जाने का मौका मिलेगा, नए नए दोस्त मित्र आपको मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। आपका इंटरेस्ट पहले से अच्छा होगा, बहुत आप अच्छी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करेंगे, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किल आसान होगी। अगर आप किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं तो आप जीत जाएंगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, लंबी जर्नी पे जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। मरकरी का गोचर 11वें भाव में, 2 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक मरकरी का गोचर 11वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। मरकरी का गोचर 11वें भाव में आपके मून साइन से 11th हाउस में, मरकरी जब 11वें भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देगा, इनकम के रिसोर्सेज देगा, एक से ज़्यादा नए नए इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलेंगी, हायर मॉनेटरी गेन आपको मिलेगा, अलग अलग रिसोर्सेज से मिलेगा, पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, इन्वेस्टमेंट को लेके, बिजनेस को लेके बहुत नाम होगा, तरक्की होगी, फाइनेंशियल गेन में बहुत राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा, प्रोफेशनली एम्प्लॉयमेंट सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आप बहुत प्रॉस्परस होंगे, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, आप पहले से ज़्यादा तरक्की करेंगे, घर में खुशहाली होगी, नाम होगा, तरक्की होगी और अच्छी खबरें मिलेंगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, सोशली बहुत अच्छे रहेंगे, कमांड रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, प्लेजेंट कंपनी में आप जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। आपकी विट टू प्लेजेंट नेचर आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किल आसान होगी, जो चाहेंगे आप अचीव करेंगे। सूर्य का गोचर 11वें भाव में, 16 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर जब 11वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 11वें भाव में, सूर्य जब 11वें भाव में होगा आपके मून साइन से, 11वें भाव में सूर्य धन संपदा देगा, इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेहतर होगी, सोशल स्टेटस पहले से बेहतर होगा, आप अपने बॉस से, एम्प्लॉयर से जब अप्रोच करेंगे तो वो फेवर देने को तैयार होगा। सूर्य जब 11वें भाव में होगा आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको राइज मिलेगी, आपके स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, हायर अथॉरिटीज, बॉस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको रेगोनाइज करेगी, सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। और ये टाइम पीरियड अगर आप बिजनेस के अंदर हो, प्रोफेशन के अंदर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, आप वेल्थ को अक्वायर करेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी और खुशहाली आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्टिव डीड्स का है, बहुत सारी हैप्पीनेस आप अचीव करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी से फारिग होंगे। ये टाइम पीरियड ओवरऑल कंफर्टेबल पीरियड आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, फैमिली लाइफ के अंदर पीस एंड हार्मोनी होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। स्कॉर्पियो मंथली कंक्लूजन सितंबर 2020 के मंथली कंक्लूजन, इस आने वाले मंथ के अंदर राहु की पोजीशन अष्टम भाव में स्कॉर्पियो के लिए,
हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पर्सनल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, और किसी तरह के नेगेटिव एटीट्यूड से अपने आप को दूर रखें। पेट में कोई शार्प पेन हो, छाती में कोई शार्प पेन हो, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। शत्रु पे नज़र रखें। स्कॉर्पियो बृहस्पति की पोजीशन दूसरे भाव में, एफर्ट्स का रिवार्ड मिलेगा, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके बहुत अच्छे रिवार्ड आपको मिलेंगे, और स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, आमदन के सोर्स बढ़ेंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप कंसल्टेंट हैं, आपकी एफर्ट्स के डिग्री फॉर रिवार्ड आपको मिलेंगे। शनि की पोजीशन तीसरे भाव में, कम्युनिकेशन से अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, ड्राइव अपनी जितनी ज़्यादा होगी उतनी बड़ी उपलब्धि आपकी होगी, धन संपदा बनाने का मौका मिलेगा, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। मरकरी की पोजीशन दशम भाव में, बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, और अगर आप इन्वेस्टमेंट में कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छे हैं। स्कॉर्पियो के लिए केतु की पोजीशन दूसरे भाव में, अगर आप कंसल्टेंट हैं फिर तो पढ़ाई आपकी कोई इशू नहीं, अगर आप कंसल्टेंट नहीं हैं तो थोड़ा बहुत कंसल्टेंट अगर आप हैं, स्कॉर्पियो हैं, कंसल्टेंट हैं, फिर आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, लोग आपकी बात को तरजीह देंगे, लेकिन फिर भी फिजूल खर्चों से दूर रहें, माउथ इन्फेक्शन से बच के रहें। स्कॉर्पियो के लिए वीनस का गोचर 9th हाउस में, धार्मिक यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा, बिजनेस पे भी जर्नी जाने पे मौका मिलेगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। स्कॉर्पियो के लिए सूर्य की पोजीशन दशम भाव में, सूर्य जब दशम भाव में है स्कॉर्पियो, ये टाइम पीरियड आपकी वेल्थ के लिए, गेन के लिए, तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य दशम भाव में और ये जो टाइम पीरियड है, प्रोग्रेशन आपका होगा, तरक्की आपको मिलेगी, अथॉरिटीज़ की सपोर्ट आपको मिलेगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, और शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, नाम होगा। इस मन 2020 के अंदर चंद्रमा की पोजीशन चौथे भाव में, मानसिक शांति आपको मिलेगी, नाम होगा, प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी, बिजनेस के अंदर गेन आपको मिलेगा, तरक्की आपको मिलेगी, और ये टाइम पीरियड नई प्रॉपर्टी की प्लानिंग बन सकती है। पेट का बहुत ध्यान रखें, गाड़ी आप नहीं ले सकते हैं। स्कॉर्पियो मंगल की पोजीशन छठे भाव में, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, और ये जो हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, डिसीजन मेकर की फेवर आपको मिल जाएगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको आपकी फेवर में होगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। राहु की पोजीशन अष्टम भाव में, नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें, नेगेटिव थिंकिंग से बच के रहें, नेगेटिव अपने विजन के अंदर नेगेटिविटी ना लेके आए। राहु अष्टम भाव में है, नेगेटिव विजन होगा तो नेगेटिव बातें होती जाएंगी, दूसरों को बुरा भला, दूसरों की बदनामी ना करें, दूसरों के बारे में बुरा ना कहें, निंदा इस समय ना करें, क्योंकि जितनी आप लोगों की निंदा करेंगे सब भार आपको उठाना पड़ेगा। पेट में दर्द हो, छाती में दर्द हो, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। इस आने वाले मंथ के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद के साथ आप राहु और मंगल का दोनों पे पकड़ रख सकते हैं। अगर ये आपके हाथ में आ जाए, राहु और मंगल, इस पे थोड़ा आप काम कर लें, दोनों की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस समय, तो प्रोफेशनल लॉस से बच सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं, कर्जे बिल्डअप नहीं होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में डिक्लाइन नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, हार्मोनी बरकरार रहेगी। राहु और मंगल पे आपको काम करना होगा, और इसके लिए आपको टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग आपको करनी चाहिए। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, prakashastrologer.com के फुल मंथली हॉरोस्कोप की कंप्लीट रिपोर्ट लें, और उस पूरी रिपोर्ट के अंदर उसको पूरी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर लें, जो बताया गया है पूरे मंथ का स्कैन किया गया है, पूरी रिपोर्ट आपके काम करेगी, आपके लिए काम आएगी, क्या है उस मंथ के अंदर, और जो बताया गया उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, और फिर आपकी कामयाबी सुनिश्चित होगी। राहु और मंगल पे आपको काम करना होगा। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और
किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।